Welcome to Ignite India Education, India's largest online design learning platform. National Institute of Design, NID. का जो online interaction है उसके बारे में कुछ चीजें बहुत important हैं and that I think you should understand it. This is very very important. So first thing for your interview is you should prepare yourself and you should know very well about institute. तो NID के बारे में आपको पूरा इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए. इंस्टीट्यूट क्या है, उसके कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रहा है और स्पेशली द प्रोग्राम यू आर गोइंग टू ज्वाइन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हैव इन डेप्थ नॉलेज बिकॉज दे आर गोइंग टू आस्क यू अबाउट योर प्रोग्राम. अगर आपने कुछ अपने SOP में लिखा है डिटेल्स, सो यू वाई यू वॉन्ट टू चूज दिस प्रोग्राम, तो यू शुड नो. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स हाउ वॉट यू वॉन्ट टू डू, वेदर यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर ओन लेबल और यू वॉन्ट टू वर्क फॉर सोसाइटी, यू वॉन्ट टू वर्क फॉर वीवर और यू वॉन्ट टू जस्ट वर्क फॉर एनी क्राफ्ट और यू वॉन्ट टू वर्क इन इंडस्ट्री. ये सारे प्लान्स अभी से आपके पास होने चाहिए एंड यू शुड आंसर ऑल दिस लाइक नो क्वेश्चन. दे आर गोइंग टू आस्क यू ऑल दिस काइंड ऑफ लाइक नो क्वेश्चन. सो फर्स्ट थिंग इज यू शुड रीड एवरीथिंग अबाउट NID. सेकेंड थिंग इज यू शुड नो अबाउट योर स्ट्रीम विच यू हैव अप्लाइड. You should know all detail, how many year program is, what kind of placement they are offering, what all subjects are there, what you want to learn. So this kind of question they are going to ask you and these will be very very important, trust me. These are the very very important for your interview and these points will be making big difference. There only you will be getting good marks and somebody will be losing marks because they will not answer properly these basic like you know. With different NID student, those who have qualified and student last year who missed with few numbers, just few marks. So these are the very important. Normally in NID this kind of question they ask. So another very important thing is if you have your work, either it's a portfolio or for UG program, if you have your creative samples, you should explain well. Or for UG program, if you have thematic reflective presentation, you should explain well what kind of story it is. Keep everything during the interview, you keep everything. Your hard copy of the thematic reflective presentation, also you can keep your work sample. And ID card is very important guys, and good Wi-Fi connection, that is also very important. तो ये जो कुछ चीजें हैं उस पर आपको बहुत अच्छी तरह से काम करना चाहिए. अभी भी आपके पास टाइम है तो आप इंस्टीट्यूट NID के बारे में स्टडी कर लीजिए, विच इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑनलाइन. यू कैन डू द रिसर्च ऑल्सो, विच एवर स्ट्रीम यू आर अप्लाइंग दैट ऑल्सो यू शुड डू लाइक यू नो स्टडी प्रॉपरली, यू शुड नो. सो ये जो कुछ जनरल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे जो कि सबके लिए UG और PG दोनों प्रोग्राम के लिए अप्लाइड हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. और आई होप आप लोग इन सारे पॉइंट्स पे काम करेंगे. और अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन ऑलवेज लाइक यू नो कमेंट इन दिस वीडियो. वी विल ट्राई टू पोस्ट, वी विल मेक अ वीडियो एंड वी विल पोस्ट. सो ये कुछ चीज़ें हैं इन जनरल, आपको प्रिपेयर वो कर लेनी है. बाकी पोर्टफोलियो जो है या बाकी चीज़ जो है आई होप यू ऑल हैव लाइक नो प्रिपेयर्ड एंड इट्स ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट. सो दिस इज टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट थिंकिंग एंड प्लानिंग योर इंटरव्यू. द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट.
for your interaction with NID experts. See you in the next video.